स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाने जा रही हूँ। आर्टिकल्स ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल्स को जानना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम सही तरीके से राइटिंग कर सकें, ग्रामर्स को अच्छे से लिख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। आर्टिकल्स मेनली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल, सेकेंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। जैसा कि नाम है, डेफिनेट आर्टिकल्स हमेशा पार्टिकुलर सर्टेन थिंग्स प्लेस पर्सन्स के लिए यूज होता है। ऐसे वस्तु व्यक्ति या स्थान जो निश्चित हो, पार्टिकुलर हो, निश्चित सर्टेन हो, ऐसे वस्तु व्यक्ति और स्थान के लिए हम आर्टिकल द जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है यूज करते हैं। और वही दूसरी तरफ ए और एन सिंगुलर और अनसर्टेन थिंग्स प्लेस पर्संस के लिए यूज करते हैं। इनका यूज मेनली साउंड्स बेस्ड होता है, साउंड्स जो हमारा अल्फाबेट्स। बट हम यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट की बात नहीं करेंगे, हिंदी अल्फाबेट जो हमारे 36 लेटर्स होते हैं, हिंदी अल्फाबेट हमारा आर्टिकल्स टोटली उन्हीं को बेस्ड है। अगर जो हम सही तरीके से इसको समझ जाएं तो हम कभी भी आर्टिकल्स में गलतियाँ नहीं करेंगे। स्पेशली ए और एन जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स है, साउंड बेस्ड होता है वॉवेल्स का। और जो द है वो पार्टिकुलर प्लेस पर्संस इटीसी के लिए यूज होता है। तो आज स्पेशली मैं आपको इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, नाउ सी आर्टिकल्स ए एंड द। आर्टिकल्स टू टाइप का होता है। फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द ये मेनली यूज फॉर पार्टिकुलर एंड सर्टेन पर्सन्स प्लेसेस और थिंग्स। एंड सेकेंड इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन, इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन ये यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड अनसर्टेन पर्सन प्लेस और थिंग। नाउ यू कैन डिफरेंस आर्टिकल्स मेनली ए एंड द ये आर्टिकल्स हैं। स्पेशली आर्टिकल्स को टू पार्ट में आप डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है डेफिनेट आर्टिकल जो उन वस्तुओं के लिए यूज होता है, उन व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, स्थानों के लिए यूज होता है जो पार्टिकुलर होते हैं, विशेष होते हैं, सर्टेन होते हैं, निश्चित होते हैं। और जो दूसरा आर्टिकल्स है जिसको कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, और ये स्पेशली ए एंड एन है, ये मेनली उन व्यक्ति वस्तु और स्थान के लिए यूज होते हैं जो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है या फिर अनिश्चित होता है। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको फर्स्टली डिस्क्राइब करने जा रही हूँ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें ए और एन आता है, ये दोनों आर्टिकल्स ए हो या फिर एन हो, ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स साउंड्स बेस्ड यूज होते हैं। साउंड्स बेस्ड जैसा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसा इसका साउंड्स होता है, ऐसे इन आर्टिकल्स को हम यूज करते हैं। साउंड्स मीन्स ये जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है, मैं हिंदी अल्फ़ाबेट की बात कर रही हूँ, हिंदी अल्फ़ाबेट जिसमें 36 अच्छा होते हैं, लेटर्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से अगर जो हम इनका यूज देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं इनकरेक्ट हो जाते हैं, हमारे जो सेंटेंसेज हैं वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो अच्छा है कि आप फॉलो करें
हिंदी अल्फाबेट के, हिंदी अल्फाबेट के उन 36 लेटर्स का। हिंदी अल्फाबेट जो होता है उसमें जो फर्स्टली हम देखेंगे यूज ऑफ आर्टिकल अ, आर्टिकल ए, आर्टिकल ए जो है एक इंडेफिनिट आर्टिकल्स है जो सिंगुलर और अनसर्टेन थिंग, पर्सन, प्लेस के लिए यूज होता है। उसमें हम क्या देखते हैं कि जो अ है उसको हम बिफोर कंसोनेंट, यूज्ड बिफोर कंसोनेंट्स, व्यंजन के पहले यूज करते हैं। मतलब ये जो हमारे कंसोनेंट्स होते हैं, जो हमारे हिंदी कंसोनेंट्स हैं, जो क से स्टार्ट होता है ग पे जाके खत्म होता है, क ख ग घ ङ च छ ज झ से लेकर के ज तक जाता है, उन कंसोनेंट से पहले हम आर्टिकल अ का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखा है। आप देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आगे हम अ का यूज करते हैं क्योंकि ये जो अगर जो हम देखें तो ये यूनिवर्सिटी मतलब इसका जो स्टार्टिंग है वो लेटर ईयर से स्टार्ट हुआ है और लेटर ए हमारे इसी अल्फाबेट में, हमारे इसी व्यंजन में आता है। ठीक है, सेम यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ये भी ईयर से स्टार्ट हुआ है। यूनिटी ये इट्स आल्सो यूसेज। वन, वन आइट व से स्टार्ट हुआ है। बुक ब से स्टार्ट हुआ है। हाउस ह से स्टार्ट हुआ है। और जो भी व्यंजन से स्टार्ट हुआ है उसके आगे हमने उन सारे चाहे वो प्लेस है, थिंग्स हैं, जो भी हैं उन सबके पहले हमने ए का यूज किया है, आर्टिकल ए का यूज किया है। लेट्स एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैं यहाँ फर्स्टली इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एंड को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। ये दोनों दोनों आर्टिकल्स साउंड्स या प्रोनाउंसिएशन बेस यूज होता है, जिसमें से हम फर्स्टली स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल अ का यूज। आर्टिकल अ जो है वो बिफोर कंसोनेंट यूज होता है। हम यहाँ पे हिंदी अल्फ़ाबेट यानी हिंदी अल्फ़ाबेट में जो यूज होते हैं कंसोनेंट्स या व्यंजन जिनको आप कहते हैं क ख ग घ जो ज्ञान तक होता है उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी जो यर से व्यंजन यर से स्टार्ट होता है उसके पहले हम आर्टिकल अ का यूज करते हैं। सेम द वे यूनिफॉर्म के साथ अ का यूज करते हैं। सेम द वे यूनिटी यूसेज वन आइड मैन वन रुपी नोट अ बुक अ हाउस जो सारे व्यंजन से स्टार्ट हुआ है, कंसोनेंट से स्टार्ट हुआ है, उनके साथ हमने आर्टिकल अ का यूज किया। स्टूडेंट्स अब मैं कुछ सेंटेंसेस में आपको अ का यूज बता रही हूँ। यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, अब आप देखें। फर्स्ट सेंटेंस हमारा जो है दिस इज अ पेन, पी एक कंसोनेंट है उसके बिफोर हम अ का यूज करेंगे। रीना इज अ गुड गर्ल, अगेन जी एक कंसोनेंट है उसके बिफोर अ का यूज करेंगे। माई सिस्टर बॉट अ साड़ी, मेरी बहन ने साड़ी खरीदी। साड़ी, साड़ी का यस एक कंसोनेंट है और यूज करेंगे। यू आर अ यूनिक पर्सन, यू यस से स्टार्ट हुआ है, यूनिक पर्सन हम अ का यूज करेंगे। सी इज अ यूरोपियन, फिर यू से स्टार्ट हुआ है तो हम अ का ही यूज करेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसा कि बचपन में हमको बताया जाता है कि जो हमारे वॉवेल्स होते हैं वो फाइव होते हैं और जो बाकी के जो लेटर्स होते हैं वो कंसोनेंट्स होते हैं। हमको अ का यूज कभी भी वॉवेल्स के साथ नहीं करना होता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वॉवेल्स ही हैं तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन से भरा हुआ होता है। बट यहाँ मैंने कुछ और भी एग्जांपल्स आपको दे रखा है और आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमको यहाँ पे हिंदी अल्फा
अल्फाबेट का यूज करना है अगर जो हम आर्टिकल्स को करेक्टली लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसको एकदम माइंड मेकअप करें आपके। यहाँ पे आपको स्पेशली हिंदी अल्फाबेट का ही फॉलो करना है। अ का यूज आप साउंड्स बेस करेंगे और साउंड्स ऐसे साउंड्स जो कंसोनेंट का साउंड होता है, चाहे वो ये कंसोनेंट से स्टार्ट हो या फिर व्यंजन से स्टार्ट हो, अगर जो वोवेल से स्टार्ट हो, अगर जो उसका जो साउंड्स है वो कंसोनेंट जैसा होता है तो आप वहाँ पे आर्टिकल का ही यूज करें। हाय स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये एन एक दूसरा इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। ये यूज बिफोर वॉवेल साउंड, ये आर्टिकल एन स्पेशली वॉवेल साउंड्स वाले वर्ड्स के पहले यूज होते हैं। वॉवेल साउंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हमको फॉलो करना है यहाँ हिंदी अल्फ़ाबेट, तो हिंदी अल्फ़ाबेट में जो हमारा वॉवेल या स्वर होता है वो अ आ इ ई उ ऊ ए से लेकर अह तक होता है, इन्हीं को फॉलो करना है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ। एन ऑनरेबल मैन, अब ऑनरेबल अ से स्टार्ट हुआ है सो इसके पहले हमने एन का यूज किया है। जनरल यग ए से स्टार्ट हुआ है, एन का यूज हुआ है। आवर यच से स्टार्ट हुआ है, फिर भी जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, आवर एन का यूज हुआ है। ऑरेंज और से स्टार्ट हुआ है, ऑरेंज एन का यूज हुआ है। एम्प्लॉय ई से स्टार्ट हुआ है, एम्प्लॉय जो भी है ई से स्टार्ट हुआ है, एन का यूज किया है। एलिफेंट ई से स्टार्ट हुआ है, एन का यूज किया है। तो आप देख रहे हो कि जो भी वर्ड्स हैं अगर जो उनका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से निकलता है, वॉवेल साउंड से लगा हुआ महसूस होता है, इनसे लगा हुआ रहता है, तो उतने कंडीशन में हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ कुछ सेंटेंसेस के मीडियम से भी इसको बताने जा रही हूँ। तो देखें आप, फर्स्ट सेंटेंस मोहन इज, यहाँ पे हम एंड यूज करेंगे, बस अट यहाँ यच से स्टार्ट हुआ है बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, ऑनेस्ट यानी अ से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है, एंड आउल कैन सी इन डार्कनेस, आउल अ से स्टार्ट हो रहा आउल, तो इसके आगे हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल एंड का यूज करेंगे। थर्ड सेंटेंस में आप देखें, आई मे कम आफ्टर एन आवर, यच से स्टार्ट हुआ वर्ड बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, आवर, मतलब अ से स्टार्ट, अ से इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ आर्टिकल एन का यूज करेंगे। फोर्थ सेंटेंस में आप देखिए, ही इज एन एमएलए, य से स्टार्ट हो रहा है, एमएलए य से स्टार्ट हुआ है, स्वर ए का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल एंड का यूज करेंगे। लास्ट एग्जांपल्स, आई एम एन इंडियन, ई से स्टार्ट हुआ है तो हम ई से स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यू वेल नोन हमें आर्टिकल अ का यूज करना है बेस्ड ऑन साउंड्स, अगर जो हमारा साउंड स्वर का आता है वॉवेल्स का आता है तो हम एन का यूज करेंगे, अगर जो हमारा साउंड कंसोनेंट्स का आता है व्यंजन का आता है तो हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, आर्टिकल अ का यूज करेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।